राज्य के एक बहुचर्चित दुष्कर्म केस के एफआईआर को रद्द करवाने के लिए लगाई गई याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने रद्द कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा ने दुष्कर्म केस की एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस शर्मा ने आदेश में लिखा कि यदि इस मामले में पीड़िता के बयान झूठे साबित होते हैं तो ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट को पीड़िता पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह आदेश सुरेंद्र सिंह की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिया है। सुरेंद्र सिंह ने याचिका में बताया कि दुष्कर्म केस की पीड़िता ने 26 अप्रैल 2016 को जयपुर के भागरोटा थाने में सुखदेव सिंह, शिवपाल सिंह, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले में बताया कि नामजद लोगों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट के बयान में पीड़िता ने आरोप को दोहराया। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि इस मामले में पीड़िता ने चमू थाने में एक परिवाद दिया है जिसमें कहा है कि सुखदेव सिंह, शिवपाल सिंह, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह समेत अन्य के खिलाफ भागरोटा थाने में दर्ज कराया रेप केस दबाव में कराया है। कुछ लोगों ने दबाव डालकर दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करवाया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता ने राजनीति दुश्मनी के कारण सुखदेव सिंह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है, इसलिए भागरोटा थाने की प्राथमिकी रद्द की जाए। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि दुष्कर्म केस में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है, एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।